आफ्टर ऑटो विंटेज वर्ल्ड। अब हम आए हैं अडालज की वाव। यहाँ पे एक अम्बे माता जी का टेम्पल भी है, आप देख सकते हो यहाँ पे साइड पे ही है, और उसके एग्जिट बाजू से ही आपको यहाँ पे अडालज की वाव में जाने का रास्ता भी है। सो चलिए चलते हैं अडालज की वाव, अडालज स्टेप पर। अडालज स्टेपवेल, राजा वीर सिंह और रानी रूदाबाई ने अपनी प्रजा के लिए ये बावड़ी बनाई थी, और ये बावड़ी उनकी प्रजा के लिए एक वरदान साबित हुई थी। यह बावड़ी बनाने का काम राजा वीर सिंह ने 1498 एडी में किया था। ये बावड़ी सैंडस्टोन से बनाई गई है, और इस बावड़ी के आर्किटेक्चर में आपको हिंदू, मुस्लिम और जैन आर्किटेक्चर दिखाई देगा। ये वाली की स्टोरी है 1555 की कहानी है। 1555 छोटे विलेज, छोटे गांव, गांव की जमाने की यहाँ पे बिजली पानी की तंगी, दुष्कार, ऐसे परियाँ थी। पूरे एरिया जंगल थे, छोटे गांव था। गांव के अंदर गुजरात का एक राजा थी। ये आते जाते पानी की तंगी दुष्कार देखते हैं, तो छोटे गांव की एक रूप सुंदरी का नाम है रूडा रानी, बहुत सुंदर थी। तो राजा प्रश्न करते हैं, तुम मेरे साथ मैरिज करेंगे? आ करूँगा, एक सुंदर आयोजन काम करो, पब्लिक पानी पी सके, आराम कर सके, इसलिए स्टेप पर बावड़ी खड़ी करो, तो तुम्हारे साथ मैरिज करूँगा। रूप सुंदरी शादी को तैयार हो गई, तो विल के अंदर एक नक्शा प्लान करके अंडरग्राउंड है, फाइव स्टोरी, पाँच मंजिल, समझते ना, पाँच मंजिल, बाद में 30 फुट का पानी का कुआ तुम देखेंगे, दूसरा कुआ पीछे तुम नहीं जा सके, नो एंट्री है। वापस आते दूसरी एंट्री पीछे गार्डन पीछे जाएंगे तो दूसरा कुआ तुम देखेंगे, सिंपल कुआ होगा, पानी खींचने का, कपड़े धोने का ऐसे होगा। दूसरा तुम्हें ऊपर के भाग में ऐसे तीन एंट्री, गुजरात में ऐसे बहुत बावली होती है, एक एंट्री होती है, दो एंट्री, तीन एंट्री, पांच एंट्री, ऐसे ही बावली का नाम होते हैं। इसे तीन एंट्री एंट्री समझते ना, इसका नाम है जया भद्र नंदा की वाली बोल दे। ये जमाने के ये स्टेप पे बावड़ी तो खड़ा कर दिया, पर बावड़ी के अंदर पहले पानी का स्टॉक नहीं था, क्यों? पानी की तंगी थी, पानी यहाँ पे निकला नहीं। तो हिंदू धर्म के अंदर एक बार शादी होती है तो रानी थी वीडियो, वीडियो समझते हैं, तो राजा को बाद में पता चला तू विधवा है तो शादी नहीं हो सकती। हिंदू धर्म के अंदर एक बार शादी होती तो रानी थी वीडियो, तो राजा को बाद में पता चला तू विधवा है तो शादी नहीं हो सकती। ये लड़की भक्ति शक्ति वाली लड़की और सती थी, सती समझते ना, पब्लिक मेरी है, तो राजा की ये पब्लिक के लिए पानी के लिए ये वाड़ी के अंदर खुद की बलि करती है, बलि समझते हैं। अबे तुम का तुमको पता नहीं है, तुम कहा नदी होती, नहर होती, नर्मदा कैनाल होते हैं ना, तो सब जगह बलि चढ़ती है, क्या होते हैं, इसका गढ़ कट जाते हैं और इसका खून निकलते, ऐसे बलि से बोलते हैं। आज कभी लड़की लड़का किसी को पता नहीं होती इसको बलि। तो 1555 की कहानी, 50 साल पहले यह तक पूरा पानी था, पूरा पानी था। तो तीन एंट्री ऐसी बनी है, तो तीन एंट्री के अंदर छोटे गांव ऐसे पानी भर सकते, और पीछे आज जमाने के अंदर सब सुविधा हो गई, फैसिलिटी हो गई। ये अंदर गांव चला गया, ये पानी तो देखा देखेंगे पीने लायक तो नहीं है, ये पानी पवित्र मान के पूजा के लिए काम आते, ये बावड़ी कभी सूखती नहीं, पानी भरते और कम होते इसका वरदान होते हैं। बावड़ी के अंदर तुम देखो ध्यान से, ये जमाने के इसमें चूना सीमेंट कुछ नहीं है, इंटरलॉकिंग समझते हैं। स्टेप के अंदर देखो, इसमें सब स्टेप के अंदर ऐसे इंटरलॉकिंग होता है, देखते सामने देखते इंटरलॉक, तो सब नीचे पिल्लर और पिल्लर देखते हैं, इसमें क्या खड्डे ऐसे रखा है, दिखाई नहीं देखा बता रहा हूँ, ठीक है ना, पत्थर के टुकड़े इसमें ऊपर देखो, इसमें कुछ नहीं है, पत्थर है नीचे, बहुत पिल्लर है, पिल्लर देखो ये खड्डे ऐसे रखा है। ये जमाने के अंदर स्टेपल वाली अधूरी है, पूरी नहीं की भाई, पिछली एंट्री देखो पूरा गेट होगा, दिखते है ना, ये जाली ना एक मंदिर जैसे बना, प्लांट्स का घूम बटाते अधूरा काम है। तो भाई एक गेट इधर कटिंग हुआ, ये जमाने का सिविल इंजीनियर, इंजीनियर को पूछा तुम दूसरी का जो बनाए इसको महत्व रहते नहीं, तो सिविल इंजीनियर को मार दिया, ऊपर तुम जाएंगे तो इसकी बॉडी एक कमर कमर समझते हैं, इसकी कोई बात है तो टूट गई। सही नकाशी के अंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलके काम किया है, तो मस्जिद की नकाशी है तो हिंदू धर्म की नकाशी देखती है, इसमें देखते हैं ऊपर के वहां पे मुस्लिम का मीनारा हुआ, मुस्लिम का मीनारा समझते हैं,
इसलिए अशोक का बेटा थे, अशोक का पत्ते समझते अशोकपाल समझते, अशोक का पत्ता हिंदू धर्म के पूजा के लिए काम आते, मुस्लिम का मजबूत बॉर्डर है, मुस्लिम है साथी घोड़ा हिंदू है, ये देखो सामने देखो अलग हुआ।